सो JBL के दो न्यू TWS JBL Wave Beam एंड JBL Wave Buds आ चुके हमारे पास। मुझे लगता है हम सभी ने बचपन से JBL का नाम सुना है। आपको पता है कितनी पुरानी कंपनी JBL? विनय भाई आप गेस करो। 90s के आसपास। आंसर इज 76 इयर्स। इतने साल से JBL वाले ऑडियो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और जनरली प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव ऑडियो प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा गेम अपना चेंज कर दिया और लेके आए दो न्यू बजट ऑडियो प्रोडक्ट। ये वाला बड्स स्टाइल में और ये वाला STM स्टाइल में। आपको जो पसंद आप वो ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले बॉक्स खोल लेते हैं। ये रहा अपना बड्स। कुछ इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है यार इसके साथ तो। और ये है इनका चार्जिंग केबल, टाइप सी चार्जिंग केबल है। सिग्नेचर कलर क्या मस्त लग रहा है, ऑरेंज वाला। और यहाँ पे कुछ पत्रिका मिल जाएगी। और अच्छी बात है कि पूरी पैकेजिंग आपको पेपर मटेरियल लिखी गई है। और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है डिफरेंट डिफरेंट कान के छेद के लिए दोस्तों। सेम टाइप ऑफ बॉक्स है इसका भी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पे लिड मिलता है और इसके अंदर कोई भी लिड नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बहुत जोर से मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों और इसका बड्स नहीं गिर रहा है। मैग्नेटिक पावर काफी स्ट्रांग है। बिना लिड वाला TWS मैंने पहली बार देखा। तगड़ा है भाई ये। इतना मुश्किल से निकला है भाई। इसमें भी सेम बॉक्स एक्सेसरीज मिलेगी। सो ये है बड और ये है बीम। अब भाई सबसे पहले बड्स की करते हैं फिटिंग टेस्ट। इन ईयर डिजाइन है, पूरा मैट फिनिश है, प्लास्टिक बिल्ड है इसकी। एयर क्लाने काफी छोटा सा लग रहा है, डेफिनेटली कंफर्टेबल फिट है। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा एनवायरमेंट की आवाज भी थोड़ी सी कम सी हो गई है। एक बार इसको आउटडोर में टेस्ट करके आते हैं। फिटिंग टेस्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पार्क में दोस्तों। अपना गाना प्ले कर देते और दौड़ के आता हूँ। एक राउंड में लगाता हूँ यहाँ पे। फिटिंग ने इसके डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं किया पूरे प्रॉपर राउंड में। और थोड़ा सा हम तेजी दौड़ते हैं दोस्तों, मतलब कि अगर आप कार्डियो करते हो जिम में तो इसमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। STM की बात करते हैं। ये भी एक्जैक्टली सेम मटेरियल का बना हुआ मैट फिनिश है, लेकिन यहाँ से थोड़ा ग्लॉसी है, थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए। इसमें भी वही ओवल डिजाइन फॉलो किया गया। काफी कंफर्टेबल सा डिजाइन है और फिट भी बहुत अच्छा हो रहा है। ओवल डिजाइन मैंने पहली बार ट्राई किया है कि देखने में अपने कान जैसा नहीं लग रहा। और अगर बीम के फिटिंग के बारे में बात किया जाए, देखो इसको पहन के मैं आज वर्कआउट करने गया था और जिसको ओवल साइज वाला फिटिंग है एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रॉपर लगा है मुझे। लेकिन कंफर्ट के मामले में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो JBL ने बड्स एंड बीम के डिजाइन एंड फिटिंग के ऊपर बहुत ही प्रॉपर काम किया है और मुझे लगता है आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है अगर आप दोनों में से किसी को भी चूज करते हो। वैसे अपने दोनों ही बड्स चार डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। व्हाइट, बेज, मिंट कलर है और ये अपना वाला ब्लैक है। 49 ग्राम का वेट मिलेगा वेट बीम में, बड्स के अंदर मिलेगा 42 ग्राम का वेट। और मुझे जस्ट पता चला ऐसे चपक भी जाते हैं, बड़ा प्यार है इनकी। इसमें भी वो प्यार है, प्यार द्वार की बातें करते रहनी चाहिए। और दोनों ही बड्स के अंदर आपको गूगल फास्ट पेयर मिलेगा, एंड्रॉइड फोन के साथ बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, उस पर भी आराम से काम करता है। देखो सेटअप करते JBL का ये वाला एप्लीकेशन खुल जाएगा क्योंकि दोनों ही बड्स के अंदर आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिलने वाला है। तो बहुत ही सिंपल और अच्छा सा आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा। JBL हेडफोन करके एप्लीकेशन का नाम है। ये आपको एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है क्योंकि इसके एप्लीकेशन सपोर्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला ये एम्बिएंट साउंड कंट्रोल, इसको अगर आप ऑन करोगे आपके एनवायरनमेंट की आवाज सुनाई देने लगेगी आपको। पीछे वाला जो ये लाइट है इससे बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं और ये आवाज अब मुझे सुनाई दे रही है। और जब भी आप रोड पे वॉक कर रहे हो देखो भाई आजू बाजू बहुत सारी आवाजें आ रही है। आप इसका टॉक थ्रू फीचर यूज कर सकते हो। ये वाले फीचर से आप नॉर्मली बात बात कर पाओगे। अभी ये डॉग बात कर रहा है, इसके बाद आराम से आ रही है। अभी इसको ऑफ कर लेते हैं और अब एनवायरनमेंट की ऑडियो थोड़ी सी कम हो गई है। JBL का खुद का डेवलप किया हुआ है इक्वलाइजर भी है, तो अपने बड्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब आपको अगर बेस ज्यादा करना है, वोकल ज्यादा करना है, एक्सट्रीम बेस चाहिए, जैज चाहिए, अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो भाई अगर आपको इसका ज्ञान है तो। टच कंट्रोल को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये वॉइस अवेयर वाला फीचर, इसको ऑन करके रखना मैं रिकमेंड करूंगा। जब हम कॉल बात करते हैं ना तो अनअवेयर बहुत जोर से बोलते हैं कि सामने वाले को भाई आवाज आ जाएगी। सामने वाला बोलता है भाई क्यों जोर से बोल रहे हो, उसका सॉल्यूशन है ये वॉइस अवेयर। फाइंड माय बर्ड्स भी एक और है, जैसे कि मेरा बर्ड्स अभी भुला गया। मैं प्ले करता हूं, देखो भाई इससे आवाज आ रही है इतनी जोर से, ओ भाई कहना पड़ जाए। राइट वाला बजाते हैं, राइट वाला देखो अब दोनों बज रहे हैं। अब एक बार ट्राई करते हैं इसके अंदर रखने के बाद भी बजेगा कि नहीं, अब देखते हैं भाई। ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मतलब कि अगर आपका बर्ड्स बुलाता है तो आप ढूंढ सकते हैं। एक बार देखते हैं कनेक्शन स्पीड कितनी फास्ट है। 1, 2, 3 3-4 सेकंड में कनेक्ट हो गया है। और वेव बीम को हम लोगों ने अपने आईफोन से कनेक्ट कर रखा है। इसमें भी सारे फंक्शनलिटी एग्जैक्टली सेम काम करती है। वीडियो मोड ऑन करते हो तो जब भी आप यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे कहीं पर वीडियो देखोगे तो आपको लेटेंसी कम फील होगी और उससे बहुत फायदा होता है। और दोनों बर्ड्स की जितनी भी बैटरी रहेगी यहाँ पे शो करता रहेगा। फुल चार्ज पे एक बर्ड 4 घंटे चलते हैं, दूसरा वाला भी 4 घंटे चलेगा। और केस यूज करके अनदर 24 आवर्स आप चला सकते हो। और टाइप सी के साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। 10 मिनट चार्ज करोगे आपको 120 मिनट का प्ले टाइम मिलेगा। और ऐसा कुछ
कुछ इंडिकेटर भी आता रहता है जिससे आपको समझ में आएगा चार्ज हो रहा है। और अगर इसके माइक के बारे में बात करें, दोनों आउटडोर आए हुए हैं, कॉल लगा लिया है मैंने। चौबे चौबे सुन रहे, ये है JBL वेव बड्स की और आज काफी ज्यादा हवा भी चल रही है और अपने मित्रगण बहुत ज्यादा भव्य भी कर रहे हैं, फिर भी मैं आउटडोर में आराम से कॉलिंग पे बात कर पा रहा हूँ। इसके मुमताज आवाज कैसी आ रही है भाई? वॉइस तो क्लियर है, बस थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। वैसे आवाज नेचुरल आ रही है? नेचुरल लग रहा है। हाँ तो ठीक है फिर। और अभी हम लोग कॉलिंग टेस्टिंग कर रहे हैं वेव बीम के ऊपर, आवाज कैसी आ रही है वाले की? क्लियर है उससे थोड़ा सा, बट नॉइज तो सेम है। वेव बीम की कॉलिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेटर है, तो आपको होपफुली इसके ऑडियो का एक्सपीरियंस पता चल चुका होगा। ये दोनों ही TWS IP54 की रेटिंग के साथ भी आते हैं, तो बारिश में पानी के छींटे और वर्कआउट करते वक्त स्वेट सब झेल ले गए। और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बड्स के आपको 8 नैनोमीटर का ड्राइवर मिलेगा और जितना मैंने इसके ऊपर साउंड एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा बैलेंस साउंड आउटपुट है। लेकिन अच्छी बात है, एप्लीकेशन की मदद से आप दोनों ही बर्ड्स को अपने म्यूजिक प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो कंप्लीट एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाता है आपके लिए। जैसे मैंने अभी एक्सट्रीम बेस को चूज कर रखा है, सच में इसके ऊपर बेस बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है। लेकिन ओवरऑल दोनों ही बर्ड्स का साउंड सिग्नेचर प्रीमियम एयरबर्ड्स वाला है। फुल वॉल्यूम पे आपको वॉल्यूम थोड़ा सा कम लगेगा और अनकंफर्टेबल नहीं होगा। आज सुबह जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था इसको पहन के, तो मुझे वॉल्यूम कम लगा और यहाँ से मैंने मैक्स वॉल्यूम लिमिटर कर दिया ऑन। और सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट साउंड सेपरेशन है, मतलब कि जो अलग अलग टाइप ऑफ टोन होता है म्यूजिक के अंदर, जैसे ढोलक का, बेस का, ड्रम का और एक्चुअल में वोकल्स का, सब आपको बहुत अच्छा डिटेल में क्लैरिफिकेशन के साथ सुनाई देगा। और ये चीज मैंने फील किया है अपने महंगे एयरबड्स जो मैं यूज करता हूँ उसके साथ ही ओनली। और यहाँ पर डेफिनेटली JBL की जो ऑडियो लेगेसी है इतनी पुरानी, सारा काम आ रहा है और आपको बजट प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी मिलने वाले इसके साथ। तो अगर कंक्लूड करते हैं दोनों ही बर्ड्स को, तो इनकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। JBL वेव बर्ड्स की लॉन्च प्राइस 2999 होने वाली है और वेव बीम की प्राइसिंग होने वाली 3499। सो 3 से 4 हजार रुपए के हिसाब से एक बहुत ही प्रीमियम साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। ये वेव बर्ड्स का डिजाइन ही कुछ अलग है और मैंने इसको ज्यादा यूज किया है ताकि इसके साथ एक्सपीरियंस लूं और मुझे कोई इशू नहीं हुआ है सच में। सो फॉर द प्राइस पॉइंट JBL के ब्रांडिंग के साथ अच्छा प्रोडक्ट लगा है मुझे। और ये अवेलेबल होने वाला है Amazon, Flipkart, JBL.com पे, आपके नजदीकी रिटेल स्टोर पे मिले, मतलब की ऑफलाइन मार्केट में भी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, उस पर क्लिक कर खरीदो, थोड़ी सी अपनी हेल्प हो जाती है। और इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं इसी नोट के साथ, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाना।